राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए हत्याकांड के विरोध की आग जहां पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था, जिसका असर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के शहरों में भी व्यापक असर देखने को मिला। बता दें, मरवाही में सुबह से शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे, केवल आपातकालीन दवा दुकानें और डेयरी सहित आवश्यक सेवाएं खुली रही। मरवाही के भाजपा पार्टियों के कार्यकर्ताओं एवं सर्व हिंदू संगठन और व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। वहीं बंद को सफल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ता शहर में धूम धूम कर सभी से समर्थन की मांग करते रहे। वहीं मरवाही व्यापार संघ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार से हत्याकांड के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की समर्थन किया। वहीं पुलिस प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गांव गांव शहर शहर पुलिस के जवान तैनात होकर निगरानी करते रहे। चेंबर ऑफ कॉमर्स की घोषणा के बाद व्यापार संघ मरवाही के सभी सदस्यों ने भी बंद का आह्वान किया और इसे सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उदयपुर में हुई घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। जब कहना है कि जो अभी उदयपुर में घटना घटी है कन्हैया लाल यादव की जो निशंस हत्या की गई है वह निंदनीय है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज मुझे यह गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज विश्व यानी हमारे भारत के पूरे हिंदू जो है बंद का आह्वान किए हैं। इसी तारतम में मरवाही का पूरा दुकान बंद है, मैं स्वयं अपना दुकान बंद किया हूँ। अगर हमको लगेगा कि हम 2 दिन बंद करें तो 2 दिन भी कम है, पूरे सप्ताह बंद करना पड़े तब भी हम अपना सहयोग करेंगे। और ऐसी घटना का पुरजोर निंदा करते हैं। और मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है क्षमा मांगने संबंधी, वह भी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नूपुर शर्मा कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग को क्षति पहुंचा हो। हमारे भी शंकर भगवान इष्ट देव हैं, इनके विषय में बहुत भला बुरा मौलवी की तरफ से कहा गया, इससे वह कुंठित होकर के जरूर मोहम्मद पैगंबर के बाद में मने बारे में बोले हैं, लेकिन उतना निंदनी नहीं है जितना इनका कृत्य है। ऐसे कुकृत्य करने वालों को हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द बीच चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। ठीक, जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, विदित है आपको, ये जो पूरे भारत देश में जिस हिसाब से आतंकियों का जो खेल चल रहा है, क्या ट्रेन जलाना, पत्थरबाजी करना, और जैसा कि अभी ताज़ा जो है कन्हैया लाल के साथ उसका 7 बार करके उसका गला काटना और टोटल उसके शरीर में पूरे 26 वार थे, इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद रियाज निश्चित ही इनके द्वारा जो है एक बहुत बड़ा सरगना है, बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है। और पूरा भारत देश जो है उद्वेलित है। अगर भारत देश में इस टाइप के लोग अगर अभी रहेंगे और तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। और ऐसे लोगों को भारत देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भारत के जो जनमानस हैं बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हैं, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। उसी तारतम्य में जो है मरवाही भी सभी स्वमेव बिना कहे केवल सुनने से ही जो है पूरा अपना अपना प्रतिष्ठान बंद करके रखे हैं, और आगे भी अगर उग्र आंदोलन होगा तो भी करने के लिए तैयार होंगे।